प्रीत ने अब तक अपनी छोटी सी जिंदगी में जो कुछ भी देखा है शायद ही वो किसी ने अब तक देखा होगा। जिंदगी ने जब जब पटकनी दी है प्रीत ने बिल्कुल नए तेवर के साथ हर संकट का मुकाबला किया है। वो एक बराबरी का माहौल चाहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रीत को यह मौका जरूर दिया जाना चाहिए। तीन तीन लोग थे यहाँ पर है, लेकिन एक सिंगल फसली की लड़की को संभाल नहीं पाया कोई है। हम लोगों ने तो तभी भी प्रीत को घर पे रोक कर रखा, तुम क्या कर पाए? उस राज को तो नहीं रोक पाए। अम्बा जी याद रखिए, अनारकली ने बाप और बेटी को अलग कर दिया था, और ये सलीम है ना जो आपका, ये माँ बेटी के रिश्ते को खा जाएगा, ये याद रखना। आप समझ नहीं हो तुसे अम्बा जी, थोड़ी कठोर बनो। जी समझने की कोशिश करो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके लिए आसान नहीं है राज और प्रीत का सामना करना। याद रखो ये, अगर आप इतनी सक्षम होती ना तो आपकी ममता डगमगाती ना, तो ही तो गलती हुई आपसे। और इसीलिए अगर हमसे अब गलती ना हो इसलिए हमें 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहना होगा। अगर आपकी इजाजत हो तो है? इस बार गलती हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे घर में घुस आएगा, समझा? चल सिमी। भाई मुगले आदम, 10 साल पहले आपके और सिमी के रिश्ते के तो राणा आपने कोई फूल नहीं चुगे थे। इसकी बातें नहीं होती यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग सारे भूल गए हैं। ऐसे रजाई इतनी आसानी से तुझे घर के अंदर तो नहीं आने देंगे। जगन बाबू, मुश्किल से हो या आसानी से, लेकिन मेरा इस घर में आना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जगन बाबू तुसी देखना, ये अंबा माता टूटेगी और मैं इस घर में आऊंगा। खुशी का मौका है, मुंह तो मीठा कर लो। मुंह मीठा कर लोगी तो कड़वाहट कम हो जाएगी। इशारा समझ में नहीं आता, बोल के बता देती हूँ। हट जाओ सामने से। हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो। अपनी बीवी का हाथ पकड़ने के लिए हिम्मत नहीं, प्यार की जरूरत होती है। और तुम्हें मुझसे तकलीफ क्या है? मेरा प्यार सिर्फ रमन है, मेरा पति सिर्फ रमन था और वो ही रहेगा। तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, और तुम्हारे हाथ से मिठाई तो क्या, मरते टाइम पानी तक भी नहीं पीना पसंद करूंगी मैं।
क्या? रोहन, किस बात की इनर्ट है तुम्हें इतनी? क्या बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ? हाथ छोड़ो, मेरा दर्द हो रहा है मुझे। नहीं, आज तुम्हें मुझे सब बताना होगा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाथ छोड़ो मेरा। बोलो। छोड़ो मेरा हाथ रोहन, छोड़ो मेरा हाथ रोहन, मुझे लग रहा है। रोहनवीर जी, क्या कर रहे हैं? छोड़िए हाथ। आज मुझे जानना है, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उसे मुझसे तकलीफ क्या है? वीर जी, नहीं, छोड़िए आप, समिति दी को छोड़िए, छोड़िए आप। बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सिमी दीदी के साथ जबरदस्ती करेंगे तो वो मान नहीं जाएगी। मुझे कुछ नहीं समझना है, मैं सब समझता हूँ, समझा तू? तुझे मेरी पड़ी नहीं है राज। वीर जी, राज सही कह रहा है, आपको सब्र रखना होगा। वीर जी, मैं सब्र रखूं? मैंने प्यार किया है उससे, संभाला है उसे, शादी की है मैंने उससे, नहीं रखना मुझे सब। तू राज, तूने क्या किया राज? सिमरन को मुझे मिलाने के लिए क्या किया तूने? राज, फिर मेरी प्रीत मत रोके। नहीं, मैं इनका दर्द समझ सकता हूं। थोड़ी देर अकेले रहेंगे, ठीक हो जाएंगे। बनेगा तू मेरा मोहरा, वो मोहरा जो बनेगा प्रीत पवनिया की हार। तू यहां क्या कर रहा है? मोहब्बत, मरम भी यही, जख्म भी यही, दवा भी यही, दर्द भी। मोहब्बत ने तुझे कितने दर्द दिए, और राज और प्रीत को उतना ही सकून। इतना सुकून कि प्रीत के चक्करों में अपने भाई की मोहब्बत को भूल ही गया वो। नहीं रोहन बाबू, दिन में सितारे देखने से रात का आसमान नसीब नहीं होता, मिलती है तो बस चल चलाती धूप। ये जो तुझे गलत फहमी है ना कि राज और प्रीत तुझे और सिमी को मिलवा देंगे, वो तो तू भूल जा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझ लगी? ओहो रोहन बाबू, सुन मेरी बात ध्यान से। तुम जो ये वीराने में अपनी किस्मत को रो रहे हो,
और वहां पर वो दोनों पता क्या कर रहे होंगे। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें कि वो दोनों क्या कर रहे होंगे। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल, आंखों में आंखें डालकर बैठे होंगे। उन दोनों के होठों पर मुस्कुराहट होगी, मोहब्बत की मुस्कुराहट। ओ, उन्हें कोई टाइम नहीं है तेरे बारे में कुछ सोचने का, और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ता है कि तेरे साथ आज क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वो तो सिर्फ एक चीज सोच रहे होंगे कि चुनाव में जीतता कैसे जाए। हाँ भाई, क्या हिसाब निकला भाई प्रीतो? क्या खुटी-पुटी चल रही है? कुंजन दीदी देखिए ना, प्रीत ने सरपंच चुनाव के लिए कितनी अच्छी प्लानिंग की है, देखिए जरा। बस वही बातें चल रही थी, देखिए। इतने सारे नंबर, क्या है ये सब? ये हमारे जीत के आंकड़े हैं। कैसे? हमारे यहाँ गांव में अब तक सिर्फ मर्द ही वोट देते आए हैं, और जिस तरीके की हवा हमारे गांव में चल रही है, किसी भी मर्द से मुझे वोट मिल जाए ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने गणित करके मैंने ये हिसाब बनाया है। इस गांव में हर परिवार में माँ है, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, जिनके वोट करने के अधिकार को चूल्हे में छोप दिया गया है। अगर इन्हें वोट करने का अधिकार मिले तो मुझे यकीन है ये सरपंच का चुनाव मेरे ही पाले में होगा। लेकिन प्रीत, इतने सालों से हमारे गांव की औरतों को ये सरपंच के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं मिला है, तो फिर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आएगा? अगर सरपंच जी चाहे तो ये परिवर्तन आ सकता है। लेकिन प्रीत, ये होगा कैसे? हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि आज सरपंच जी ने तुझे रजिस्टर पे साइन करने दिया, लेकिन तूने देखा ना कितना प्रेशर में थे वो। और प्रीत, वो मान भी जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि बाकी सारे पंच भी मान जाएंगे? हाँ, वाह, कमाल का कानून चल रहा है हमारे ककवाल में। पूरी दुनिया से हटके पूरी दुनिया में ये कानून है कि औरत और मर्द को समान का दर्जा देना चाहिए, सबको वोट करने का हक है, लेकिन हमारे ककवाल में सिर्फ मर्द ही वोट दिए जा रहे हैं। और एक औरत जो अपना घर परिवार बच्चे सब अच्छे से संभाल लेती है, उस पर इतना विश्वास नहीं किया जा रहा है कि वोट का सही चुनाव करके वो गांव का भला करेगी। कमाल है। क्या सोच रही है प्रीत? यही कि अगर मम्मी और सिमी दीदी हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा होता। वो हमारे साथ नहीं है ना, वो क्या करे? मैं मानती हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह से हार तो नहीं मान सकते ना, और ये बात तू भी जानती है। लेकिन देखना, कामयाबी तुझे ही मिलेगी, क्योंकि मेरी बहन तू सच की लड़ाई जो लड़ रही है। हाँ दीदी, मैं समझ सकता हूँ प्रीत के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है, पर अगर माँ का साथ हो तो जीत की खुशी दुगनी हो जाती है। वो कोई ना, मना लेंगे मम्मी जी को भी और सिमी दीदी को भी, हम दोनों साथ हैं ना, कुछ भी कर जाएंगे। लेकिन प्रीत, सिमी दीदी और रोहन जी को भी साथ लाना होगा, है ना? खोतिया, किसी को नहीं पड़ी तुझे और सिमी को साथ में मिलवाने की, समझ मेरी बात को। तुझे लगता है कि मेरा गला घोट के तुझे सिमी मिल जाएगी? तो मार डाल मुझे, मार डाल। मेरे ये गुस्सा अपने भाई को दिखा जाके, इससे दूध में पड़ी मक्खी की तरह तुझे निकाल के बाहर सूटा है। मुझे तो उसकी प्रीत मिल गई है और वो उसके घर में रह रहा है, और तुझे बना दिया बेवकूफ। यकीन नहीं आता ना तुझे कि तेरे अपने ही भाई ने तेरे साथ इतनी बड़ी गेम खेल दी है? सबूत चाहिए, मैं देता हूं तुझे सबूत।
लगा फोन, लगा लगा फोन, पूछ अपने भाई से कि अम्बा ने उसको ऑफर दिया था या नहीं, कि अगर वो प्रीत से अलग हो जाएगा तो अम्बा खुद रोहन और सिमी को एक करने में मदद करेगी। बताया तेरे भाई ने तुझे ये? नहीं ना। अगर तेरे भाई को तेरी इतनी फिक्र होती ना तो अम्बा की इस ऑफर को सोचता। अगर तू अपने भाई की जगह होता तो तू क्या करता? सोचता ना उसके बारे में। लेकिन उसने तो ये बात पत्ते पे उड़ा दी। तुझे तो इस ऑफर के बारे में पूछा तक नहीं उसने। चले काम कर, तुझे यकीन नहीं आ रहा ना, तू फोन मिला, लगा फोन, मिला विकास फोन, मान मेरी बात, दे मुझे था। जी वीर जी। राज, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। क्या प्रीत की मम्मी ने तुझसे वादा लिया है कि अगर तू और प्रीत अलग हो जाएंगे तो वो मुझे और सिमरन को मिलाने में हमारी मदद करेंगे? हाँ वीर जी, लेकिन लेकिन मैं जानता था वीर जी कि वो मुझे और प्रीत को भी एक नहीं होने देंगे और आपको और सिमी दीदी को भी अलग कर देंगे, इसीलिए। हेलो वीर जी, वीर जी, लगी समझ, पड़ गई ठंडक ये सुन के। रोहन बाबू, यहाँ पर सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, और तू भी अपने बारे में सोच कुछ। मेरी बात ना ध्यान से सुन। अम्बा और सिमी मेरी बात बहुत अच्छे से मानते हैं आजकल, समझ लग रही है तुझे? तू मेरे से हाथ मिला ले, मैं वादा करता हूँ तुझसे कि सिमी को मैं विश्वास दिलाऊंगा कि तू कितनी शिद्दत से चाहता है उसे। चल मिला मेरे साथ हाथ, मिला। दीदी, मुझे आपसे बात करनी है। बोल। दीदी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत बुरे दौर से गुजरी हैं, लेकिन आपके इसी बुरे दौर में आपका सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया है वो रोहन वीर जी हैं। आपको उनके साथ इस तरह नहीं बर्ताव करना चाहिए। तू ना मेरे बातों में दखलंदाजी मत दे, अपने काम से मतलब रख। मुझे उस इंसान की शक्ल तक नहीं देखी, उसने मेरे रमन की जगह लेने की कोशिश की है। दीदी, आप मम्मी से नजदीक है ना, क्या मम्मी ने हमें ये परवरिश दी है? जिस तरीके का बर्ताव अपने रोहन वीर जी के साथ किया है, क्या मम्मी ने ये सिखाया है हमें? रोहन वीर जी के लिए ना सही, मम्मी के परवरिश का मान रखने के लिए आपको जाके रोहन वीर जी से माफी मांग लेनी चाहिए।
अंदर बाबू सिमरन और प्रीत बात कर रहे हैं। अब सिमी मांगेगी रोहन से माफी और उसका फायदा उठाऊंगा मैं। प्रीत अब तू देख ही जा रोहन की दीवानगी का क्या फायदा उठाता हूं मैं और तुझे कैसे चुनाव में हराता हूं मैं प्रीत।